राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी आलिया कट कुर्ती की कटिंग फुल वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये मेरे पास कपड़ा है और ये 4 मीटर मैंने कपड़ा लिया है और कॉटन का ये फैब्रिक है। तो इसमें से पहले हम टॉप पार्ट के लिए कपड़े को कट कर लेंगे। तो मैंने इसमें से ये कपड़े को कट कर लिया और ये मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है। यहाँ से हम टॉप पार्ट की लंबाई रखेंगे। तो टॉप पार्ट की लंबाई है जो मैंने रखनी है 15 इंच। तो ये मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से भी निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा मैं रखूँगी 12, तो 12 का हाफ करके 6 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ से मैं रखूँगी 7.5 इंच, 6.5 से 2 सूत ऊपर। और सेम इस तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। यहाँ से सीधा करने के बाद यहाँ से फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो ये लगाऊंगी मैं 11 पे, तो 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे 11 का हाफ करके और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 34, तो 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे चौथा हिस्सा करके और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 14, तो मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगी और इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ऐसे निशान मिलाने के बाद यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे बैक क्रॉस के लिए और इस निशान को तिरछा ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद ऊपर से हम कंधी को डाउन करेंगे 1.5 इंच तक और यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और ये जो डाउन किया इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पर हम आर्मोल का सेंटर करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम आर्मोल की शेप देंगे, तो इस तरह से देंगे और ये फ्रंट आर्मोल की ऐसे ये शेप देने के बाद अब इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये मैंने बैक और फ्रंट को इकट्ठा ही कट किया है। ऐसे कटिंग करने के बाद सेंटर में कट लगा लेंगे और बैक पार्ट को एक साइड कर देंगे और फ्रंट पार्ट की आर्मोल की छटाई करेंगे। तो ये मैंने छटाई कर दी है। छटाई करने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को यहाँ पे इस तरह तिरछा मिला देंगे। अब इसकी भी यहाँ से कटिंग कर देंगे ऐसे। ये कटिंग करने के बाद अब इसके बॉटम की कटिंग करेंगे। जिस पार्ट में हम नीचे की तरफ चुंटे डालेंगे तो उस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने नीचे के घेर के लिए कपड़े को कट कर लिया है। कपड़े को कटिंग करने के बाद इसमें से हम एक पार्ट को निकाल देंगे बैक के लिए इस तरह से। और ये मैंने अपनी लंबाई के हिसाब से निकाल लिया है। मैंने लंबाई रखनी है 38 इंच। तो जैसे कि मैंने 14 इंच का ऊपर का पार्ट कट किया था, तो 14 इंच इसमें से माइनस करके और फिर जो नीचे का बचा वो मैंने कटिंग कर लिया इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब जो बैक पार्ट है वो मैं इस तरह से प्लेन रखूँगी, इसमें ऐसे ही चुंगट डालूंगी और इसको मैं जैसे आलिया कुर्ती की कटिंग करते हैं तो वैसे ही इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरफ से ओपन है ये, यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को यहाँ पे इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ऐसे अब इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब इसकी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बाजू
बाजू के लिए कपड़े को कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और बाजू की जो लंबाई है वो मैंने रखनी है 14 इंच, तो मैंने ये 16 इंच लिया है मार्जिन के साथ ही। अब यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे बाजू को और इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो ये लगाऊंगी मैं 7.5 इंच पे और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन के लिए। नीचे की तरफ मोरी का निशान लगा लेंगे, मोरी है 5 इंच की और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे ये मैंने मिला दिए हैं। मिलाने के बाद यहाँ से हम बाजू की शेप देंगे, तो यहाँ से देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब स्लीव के ऊपर के 2 पार्ट को उठाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच डाउन कट कर देंगे इस तरह से। ये कटिंग करने के बाद अब इसके प्लाजो की कटिंग करेंगे। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद नीचे से हम एक 2 इंच का निशान लगा लेंगे मोरी फोल्ड करने के लिए। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान से हम लंबाई रखेंगे, तो इसमें मैं लंबाई रखूंगी 34 इंच। तो ये मैंने 34 इंच पे निशान लगा लिया। सामना देखने के लिए इस तरफ भी लगा लेंगे। अब इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे, ऐसे सीधा करने के बाद अब ऊपर की तरफ हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे प्लास्टिक के लिए। इस निशान को भी सीधा कर देंगे। ये मैंने निशान को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे हिप का 4/4 हिस्सा। हिप है 36, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें मैंने डाली है इलास्टिक, तो मैं इसमें 3 इंच ऐड कर लूंगी, तो ये निशान मैं 12 इंच पे लगा लूंगी। तो ये 12 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहीं से ही मैं आसन का निशान लगाऊंगी, तो आसन का निशान मैं 11 इंच पे लगाऊंगी। हिप का 4/4 हिस्सा कर लेंगे और 2 इंच ऐड कर लेंगे। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से थाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ दूंगी इस तरह से। जो ये मैंने 1 इंच का निशान लगाया, इसे आगे की तरफ मैं थाई का निशान लगाऊंगी, तो थाई भी मैं 11 इंच पे रखूंगी। जितना आसन रखा है उतना ही मैं थाई रखूंगी और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को भी यहीं पे मिला देंगे और यहाँ से क्रोच एरिया की शेप देंगे। अब नीचे की तरफ मोरी का निशान लगा लेंगे। तो मोरी का निशान कैसे लगाएंगे, यहाँ से हम थाई का सेंटर कर लेंगे, तो ये आया है 12 इस तरह से। अब इस निशान को यहाँ तक, जहाँ तक ये कपड़ा आया है टोटल नाप लेंगे, या 7.5 इंच है, तो सेम 7.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे मोरी के पास इस तरह से। अब यहाँ पे मोरी रखनी है मैंने 7 इंच, तो मैं 3.5 इंच इस तरफ निशान लगाऊंगी और 7 इंच पे इस तरफ निशान लगा लूँगी। अब इस निशान को यहाँ से तिरछा करेंगे और इस तरफ से इसको सीधा रखेंगे। ऐसे करने के बाद शेफर फट्टी से इसको इस तरह से मिला देंगे और अब ऐसे पलटेंगे फट्टी को और इस तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद ऊपर से हम बैक को उठा के कटिंग करेंगे, तो जो ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, इससे ऊपर की तरफ मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब पैंट की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने पैंट की कटिंग कर ली है, ये देखिए कुछ इस तरह से
मैंने बैक और फ्रंट सेम ही रखा है। अब इसमें से क्या करेंगे ये देखिए, बैक के पार्ट को इस तरह से पीछे कर देंगे और ये फ्रंट पार्ट है जो, इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा कटिंग किया था ऊपर की तरफ उसको अलग कर देंगे इस तरह से। ये अलग करने के बाद तो कुछ इस तरह से शेप आएगी पैंट की, ये देखिए। और इसमें मैंने जैसे कि आसन की तरफ से 2-2.5 इंच बढ़ा के कटिंग करते हैं तो मैंने सेम ही रखा है, और 1 से 1.5 इंच का मैंने मार्जिन साथ में कटिंग कर लिया है। ये मैंने आपको आलिया कट कुर्ती की पूरी प्रॉपर ही कटिंग दिखा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।